दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आपके साथ वैशाली और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव सिंह। और हम दोनों एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं यादों के झरोखे से आपके लिए एक ऐसा किस्सा चुनकर आए हैं जिसे सुनकर आप न सिर्फ हैरान हो जाएंगे बल्कि हंस हंस कर लोटपोट भी हो जाएंगे कि स्ट्रगल डेज में एक्टर्स ने ऐसे ऐसे काम भी किए हुए हैं। बिल्कुल, ये किस्सा किसी और का नहीं बल्कि ये बॉलीवुड के जंपिंग जैक कहे जाने वाले जितेंद्र का है। वही जितेंद्र जी जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बॉलीवुड में खुद को रोकने के लिए, बॉलीवुड में खुद का नाम कमाने के लिए जितेंद्र ने बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल में वो सब कर डाला जिससे आज वो सोचते होंगे तो थोड़ी शर्मिंदगी तो जरूर होती है। जी बिल्कुल, लेकिन वही है जो अपने बच्चों को, अपने जो नाती पोतों को वो सुनाते होंगे कि भैया देखो, हमने अपने जमाने में ऐसा भी किया है, हमने तुम्हारे लिए कितनी सहूलियत की है और इस सहूलियत के लिए हमें कितना कर्ज चुकाना पड़ा है और कितनी मेहनत करनी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये किस्सा जो है वो 60 के दशक का है जब नए नए जितेंद्र मुंबई में आए थे और चाहते थे कि वो बॉलीवुड में फिल्मों में काम करें और एक लीड एक्टर की भूमिका निभाएं। लेकिन कंपटीशन तब भी उस वक्त भी बहुत टफ हुआ करता था वैशाली, और बहुत आसान नहीं था, और खास तौर से जब फिल्म का डायरेक्टर एक बड़े बजट की या मल्टी स्टार फिल्म बना रहा हो, अच्छे फेसेस को ले रहा हो, उस वक्त आपको कोई लीड हीरो कैसे ले ले, तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और यही सब हुआ जितेंद्र के साथ भी। लेकिन जितेंद्र के साथ ना बड़ा फनी किस्सा था। उन्हें जब डायरेक्टर नवरंग फिल्म आपने देखी होगी, इसमें मुख्य भूमिका संध्या ने निभाई थी, और नवरंग के जो डायरेक्टर थे ना शांताराम, वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट खान, माफ कीजिएगा, उन्हें परफेक्शनिस्ट कहा जा सकता है, और वो भी अपनी फिल्मों को लेकर बड़े ही क्या कहते हैं संजीदा रहते थे और बिल्कुल पर्टिकुलर कि अगर उन्हें ये शॉट ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। और जब जितेंद्र उनके पास गए अपने स्ट्रगल के लिए तो उन्होंने उसे ऑफर तो किया लीड एक्टर के तौर पर, भाई जितेंद्र के लिए देखो जैसे लॉटरी लग गई हो। और जैसे ही उसकी लॉटरी लगी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक चली नहीं दिख पाई। बिल्कुल, क्योंकि जो उन्हें रोल मिला था वो इतना अजीबोगरीब किरदार था। जितेंद्र को जो हीरोइन थी संध्या, उनका बॉडी डबल बनने का किरदार मिला, यानी कि जितेंद्र को एक पुरुष होकर महिलाओं का किरदार निभाना था, और ये बहुत मुश्किल होता है वैशाली। वैसे एक बहुत चैलेंजिंग रोल होता है। जी बिल्कुल, बहुत इजी नहीं है कि आप किसी का भी किरदार निभा सकते हैं, आप वो प्ले कर सकते हैं जो कि आप खुद हैं, लेकिन जो आप नहीं हैं, जब आपको वो प्ले करना होता है ऑन स्क्रीन तो बहुत टफ होता है। लेकिन जितेंद्र ने अपनी मेहनत से ये सब कर दिखाया, और यही वजह है कि आज जितेंद्र किस मुकाम पर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। जी बिल्कुल, और हम भी उनके इसी जज्बे को, उनके इसी जुनून को इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट की पूरी टीम सलाम करती है कि जनाब अगर शिद्दत होना किसी चीज को पाने की तो वो इस तरह से हो। बिल्कुल, और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि 1964 में जाकर जितेंद्र को पहली फिल्म मिली थी गीत गाया पत्थरों ने। ये एक सुपर डुपर फिल्म साबित हुई थी, और इसके बाद से तो फिर वो दिन रात बुलंदियों पर चढ़ते गए और बॉलीवुड में कामयाबियों के नए इतिहास लिखते गए। और आज जितेंद्र बहुत बड़े एक नाम है बॉलीवुड का, और गर्व करते हैं लोग इन पे कि जितेंद्र ने किस तरीके से स्ट्रगल की है और खुद की जगह बनाई है। जी, और इसी के साथ हमारे यादों के पिटारे के इस किस्से में बस इतना ही, लेकिन हम ऐसे ही दिलचस्प किस्से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और गौरव को दीजिए इजाजत, लेकिन आप इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके लिए यादों के झरोखे में ढेर सारा पिटारा इंतजार कर रहा है। बाय-बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।